क्वेश्चन है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, समास। दो अथवा दो से अधिक मिलकर बने शब्द को समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पद संख्यावाची शब्द है तो कौन सा समास होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, द्विगु समास। पूर्व पद अगर संख्यावाची है तो हमारा द्विगु समास होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, द्विगु समास। पंचवटी शब्द में द्विगु समास होगा। अगला क्वेश्चन है, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, द्विगु समास। त्रिवेणी शब्द में द्विगु समास होगा। अगला क्वेश्चन है, चौमासा में कौन सा समास होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, तत्पुरुष समास। विद्यार्थी में तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन है, कन्यादान में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, तत्पुरुष समास। कन्यादान में तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन है, भाई बहन में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, बहुव्रीहि समास। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन है, दीनानाथ में कौन सा समास होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, कर्मधारय। दीनानाथ में कर्मधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन है, समास के कितने भेद होते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, 6 भेद होते हैं। समास में 6 भेद होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, चक्रमणि में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, बहुव्रीहि समास। चक्रमणि में बहुव्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन है, तन मन धन में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, नवग्रह में कौन सा समास है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, द्विगु समास। नवग्रह में द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन है, अष्ट ग्रह किस समास का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, द्विगु समास। जिस समास में संख्या की बात हो वहां द्विगु समास है, यानी कि अष्ट ग्रह। अगला क्वेश्चन है, श्रमदान का सही समास विग्रह क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, श्रम का दान। श्रमदान का सही समास विग्रह है श्रम का दान। अगला क्वेश्चन है, सप्ततंत्र का सही समास विग्रह क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, सात तंत्रों का समाहार। अगला क्वेश्चन है, परमेश्वर कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, बहुव्रीहि समास। परमेश्वर में बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है, षटकोण में कौन सा समास है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, द्विगु समास, षटकोण में द्विगु समास है। अगर गाइज आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर बने रहें। थैंक यू गाइज।